प्रयागराज के गंगा पार में बहरिया थाना क्षेत्र के सारी पट्टी नहर पर 26 अगस्त सोमवार की दोपहर में बदमाशों ने भारत फाइनेंस कंपनी के एजेंट से वसूली के 54,000 रुपए तमंचा सटाकर लूट लिए थे। बदमाशों ने जाते वक्त दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। एजेंट द्वारा 112 नंबर डायल कर घटना की सूचना दी गई थी। एल प्रयागराज पुलिस ने SOG गंगानगर सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 50,160 रुपए व घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन बरामद किया है। थाना बहरिया पर एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा वादी अजय कुमार, जो निवासी मिर्जापुर के हैं, उनकी मोटरसाइकिल व उनकी जेब से तकरीबन 54,000 रुपये जो छीन के अभियुक्त भाग गए थे। इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें घटना में प्रयुक्त सफ़ेद अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 50,160 रुपये जो लूटे गए थे वो बरामद हुए हैं, और इसमें अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है अनूप कुमार पटेल। ये रहने वाला जो है थाना मवाईमा का है। इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। इसमें जो और संलिप्त अभियुक्त हैं उनके बारे में पूछताछ की जा रही है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके विरुद्ध भी कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध में अभी कोई और आपराधिक मुकदमा प्रकाश में नहीं है।